राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10th क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस तरह का मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल 10th क्लास का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, किसी शरारती तत्व के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर बीडी कल्ला के नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट चल रहा है। इस ट्विटर पर कवर इमेज और प्रोफाइल पिक्चर दोनों हूबहू बीडी कल्ला के असली ट्विटर अकाउंट की ही लगाई गई है। इस ट्विटर अकाउंट से शनिवार को 10th क्लास का रिजल्ट जारी होने का ट्वीट किया गया। इसके बाद जैसे ही स्टूडेंट्स ने इस ट्वीट को देखा तो उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट को खंगाला, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। इससे असमंजस की स्थिति बन गई। दरअसल बीडी कल्ला के नाम से बने इस फर्जी अकाउंट को 469 लोगों ने फॉलो कर रखा है, जबकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को 3,26,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर रखा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने शिक्षा मंत्री की फेक आईडी से सोशल मीडिया पर सेकेंडरी एग्जाम का रिजल्ट जारी होने की अफवाह फैलाई है। फिलहाल बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी नहीं किया है। बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जून महीने के शुरुआती सप्ताह में जारी किया जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी अफवाहों पर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स विश्वास नहीं करें। बोर्ड द्वारा या फिर शिक्षा मंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी मैसेज और सूचनाओं को ही सच माने। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि मेरे फर्जी अकाउंट से 10th क्लास के रिजल्ट को लेकर झूठ और गलत मैसेज वायरल किया गया है, इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आम स्टूडेंट्स और परिजनों से अपील करूंगा कि वो मेरे नाम से बने किसी भी फर्जी अकाउंट के मैसेज पर विश्वास नहीं करें। गौरतलब है कि बीडी कल्ला के नाम से जो अकाउंट बनाया गया है वो हूबहू बीडी कल्ला के असली ट्विटर अकाउंट जैसा ही है। ट्विटर पर ब्लूटिक जाने का नुकसान राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को उठाना पड़ रहा है। अब तक ब्लूटिक होने की वजह से स्टूडेंट शिक्षा मंत्री के अधिकृत अकाउंट की सूचनाओं को ही सही मान रहे थे। ब्लूटिक हटने के बाद से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के नाम से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट बन गए हैं। इसको लेकर अब मंत्री ने पुलिस में मामला दर्ज करवाने की बात कही है। राजस्थान तक आपसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों से दूर रहे और बिना जांच पड़ताल के ऐसी सूचनाएं आगे प्रसारित ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।